नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सूर्य प्रकाश है और प्रकाश में जीवन छुपा है। सूर्य जीवन के अंधकारों को दूर करता है। जिस प्रकार सूर्य जो है हमारे अंधकार को दूर करते हैं, जीवन में आए हुए अंधकार को दूर करता है, ठीक इसी प्रकार ये हमारे जीवन में रोशनी भी भरने का काम करते हैं। तो रविवार को करें यह चार काम, धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। जो भी आपके शारीरिक मानसिक जो भी समस्या है, सारे समस्या भगवान सूर्य नारायण की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रविवार के दिन क्या ना करें। बहुत से लोग रविवार के दिन कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे भगवान सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाते हैं। तो मित्रों, भूल करके रविवार के दिन काले वस्तु खरीद करके नहीं लाना है। काले वस्तु जो होता है शनि का प्रतीक माना जाता है। शनि और सूर्य एक दूसरे का शत्रु है। दूसरा, तुलसी को स्पर्श नहीं करना है रविवार के दिन, इससे सूर्यदेव और माता तुलसी की दोष लगते हैं। तीसरा, नीले वस्तु पदार्थ चीज, ये जो नीले वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, इसका दान आपको रविवार के दिन नहीं करना है। चौथा, घर में नमक खरीद करके भूल करके रविवार के दिन नहीं लाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दरिद्र बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, घर में दरिद्रता आती है। अब आइए जानते हैं वीडियो में कि रविवार के दिन क्या करें जिससे हम जल्द से जल्द धनवान बने। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मित्रों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, कदम कदम में आपकी सहायता करते हैं। तो पहला टोटके सुन लीजिए, पीली सरसों या राई लेकर के 7 मुट्ठी की मात्रा में आपको लेना है शाम या सुबह के समय में। ओम सूर्याय नमः धनम देही, इस मंत्र का जाप करते हुए जल में प्रवाहित करना है। जितना ज्यादा ये जल में प्रवाहित करते समय या बहेंगे, उतने ही जल्दी आपके समस्या दूर होंगे। सूर्य नारायण की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से आपकी जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएंगे और अचानक धन की भी प्राप्ति होंगी। अगर धन संबंधित समस्या है वो भी समस्या दूर हो जाएंगे। दूसरा, तांबे के लोटा में साफ जल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल और फूल ये डाल दीजिए और डाल करके सूर्य को आपको अर्घ देना है। जो भी इच्छा हो अगर इस उपाय को करते हैं तो 5 रविवार के भीतर में जो भी आपकी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तीसरा, इस दिन गाय को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। अगर आपको अचानक धन चाहिए तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और चने अवश्य खिलाना चाहिए, इससे अचानक धन की प्राप्ति होती है, घर में धन की बरकत होने लगती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। चौथा, पीले चंदन लगा करके काम के लिए निकले। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी, पीले चंदन लगा करके आपको काम के लिए निकलना। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वह काम अवश्य पूर्ण होगा, कभी भी वह काम अधूरे नहीं रुकेगा। पांचवें हैं, बिजनेस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं या जो लोग विद्यार्थी हैं या दुकानदार हैं, तो आज के दिन यानी कि रविवार के दिन एक पीला पुष्प अपने जेब में अवश्य रखें। पीला कलर के कोई भी पुष्प आप अपने जेब में अवश्य रख सकते हैं, फूल अपने जेब में अवश्य रख सकते हैं। निश्चित ही दोस्तों, निश्चय ही आप देखेंगे आपके बिजनेस में तरक्की होगा। अगर दुकानदार हैं तो दुकान में ज्यादा बिक्री होगा, जो लोग विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पेपर भी बनेंगे। तो ये थे रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय जिसे अपना करके आप अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।